ब्लॉग विद राकेश 99 में आपका स्वागत है। आज के ब्लॉग में मैं आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। वर्तमान समय में विश्वविद्यालय के भग्नावशेष को देखकर इसके गौरवशाली अतीत की अनुभूति की जा सकती है। भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के लिस्ट में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी नाम शामिल है। तो आइए अंदर चलकर हम इस विश्वविद्यालय के भग्नावशेष को दिखाते हैं। इस विश्वविद्यालय को पाल वंश के राजा धर्मपाल ने बनवाया था। इस विश्वविद्यालय में अन्य विद्यालयों की तरह भारत के साथ साथ विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। कहा जाता है कि इस महाविहार के संस्थापक राजा धर्मपाल को मिली उपाधि विक्रमशील के कारण संभवतः इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। 13वीं सदी तक इसे राजकीय संरक्षण मिलता रहा। परिणाम स्वरूप लगभग 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना रहा। अब इसके भग्नावशेष ही शेष हैं। इस विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे। प्रत्येक में एक केंद्रीय कक्ष था तथा 108 अध्यापक थे। केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन कहा जाता था। प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रवेश द्वार होता था तथा प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक एक द्वार पंडित बैठते थे। द्वार पंडित द्वारा परीक्षण किए जाने के बाद ही किसी विद्यार्थी को महाविद्यालय में प्रवेश मिलता था। राजा कनक के शासनकाल में द्वार पंडितों के नाम हमें मिलते हैं। पूर्व द्वार पर आचार्य रत्नाकर शांति, पश्चिम द्वार पर बागेश्वर कृति जो बनारस के रहने वाले थे। दक्षिण द्वार पर प्रज्ञा कर्मती, प्रथम केंद्रीय द्वार पर रत्न वज्र जो कश्मीर के रहने वाले थे और द्वितीय केंद्रीय द्वार पर ज्ञान श्री मित्र बैठा करते थे। इस विश्वविद्यालय में अध्ययन के विशेष विषय व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, तंत्र, विधिवाद आदि थे। इस विश्वविद्यालय के प्रबंधन द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय के कामकाज को भी नियंत्रित किया जाता था। दोनों विश्वविद्यालय के शिक्षक एक दूसरे के यहां जाकर पढ़ाया भी करते थे। इस विश्वविद्यालय के आचार्यों में दीपंकर श्री ज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। वे इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। हीनयान, महायान, तर्कशास्त्र के विद्वान और तिब्बती बौद्ध धर्म के महान लेखक भी थे। परंतु 11वीं सदी में तिब्बत नरेश चंचुब के नियंत्रण पर वे तिब्बत गए और जहां उन्होंने बौद्ध धर्म के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
तिब्बती स्रोतों में उन्हें 200 ग्रंथों की रचना का श्रेय प्रदान किया गया है। 12वीं सदी में अभ्यंकर गुप्त यहाँ के आचार्य थे। तिब्बती तथा संस्कृत में उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। अन्य विद्वानों में ज्ञानपाद, बैरोचन, रक्षित, जेतारी, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, मित्र, रत्नवज्र, तथागत रक्षित आदि नाम प्रसिद्ध थे। 12वीं सदी में 3000 विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे, जिनमें अधिकांशतः तिब्बत के थे। तिब्बती छात्रों के आवास के लिए विश्वविद्यालय में एक विशिष्ट अतिथि गृह बनवाया गया था। यहाँ एक संपन्न तथा विशालकाय पुस्तकालय भी था। विश्वविद्यालय का प्रबंध चलाने के लिए मुख्य संघाध्यक्ष की देखरेख में एक परिषद भी थी, जिसके सदस्य विभिन्न प्रशासनिक कार्यों जैसे नवागंतुकों के दीक्षित कराने, नौकरों की व्यवस्था तथा उनकी देखभाल, खाद्य सामग्री तथा ईंधन की आपूर्ति, मठ के कार्यों का आवंटन आदि को संपन्न किया करते थे। शैक्षणिक व्यवस्था 6 पंडितों की समिति द्वारा ही संचालित होती थी। इस समिति का एक अध्यक्ष होता था। कालांतर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की प्रशासनिक परिषद ही नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यों की देखरेख करने के लिए विक्रमशिला के आचार्यों को नियुक्त किया करते थे। यहाँ के विद्यार्थियों को शिक्षोपरांत पाल शासकों द्वारा उपाधि प्रदान की जाती थी। जेतारी तथा रत्न वज्र ने पाल राजाओं महिपाल तथा कनक के हाथों उपाधि प्राप्त की थी। इस प्रकार विक्रमशिला 11वीं-12वीं सदी में भारत का सर्वाधिक संपन्न सुसंगठित विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय के खंडहर को देखकर इसकी भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह करीब 100 एकड़ से भी ज़्यादा में फैला हुआ था। इसकी खुदाई में मुख्य स्तूप, मनोती स्तूप, तिब्बती धर्मशाला, छात्रावास, परिसर, वातानुकूलित पुस्तकालय, प्रवेश द्वार, ध्यान कक्ष के अलावा हिंदू मंदिर के अस्थाई अवशेष प्राप्त हुए हैं। खुदाई के क्रम में करीब 6000 से अधिक चलंत अवशेष मिले, जिसमें करीब 400 की संख्या में अवशेषों को विक्रमशिला पुरातात्विक संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। राजकीय संरक्षण प्राप्त विक्रमशिला विश्वविद्यालय आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां छात्रों को निःशुल्क रहने, खाने पीने, शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध थी। आइए अब हम आपको नज़दीक से इस विश्वविद्यालय के खंडर को दिखाते हैं।
साथ ही साथ जो दर्शक मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल ब्लॉग विद राकेश 99 को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने दर्शक हैं तो इस वीडियो को देखकर लाइक और कमेंट अवश्य करें। इस विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी के द्वारा विध्वंसित कर दिया गया, और यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे भिक्षुओं की सामूहिक हत्या कर दी गई तथा ग्रंथों को जला दिया गया। उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति शाक्यश्री भद्र थे, जो अपने कुछ अनुयायियों के साथ किसी प्रकार बचकर तिब्बत भाग गए। इस प्रकार 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी के द्वारा इस गौरवशाली शिक्षण संस्थान विक्रमशिला विश्वविद्यालय का दुखद अंत हो गया। केंद्र सरकार के द्वारा भी इस विश्वविद्यालय के नाम पर भागलपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। तो इस गौरवशाली विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जानकारी आप सबों को कैसी लगी? तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन तमाम लोगों को इस विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिल सके। अब आप लोगों से विदा होने का वक्त हो चला है, तो मिलते हैं इसी तरह की और भी मनोरंजक और जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।